प्रिय भाई और भोनी माने नमस्कार। कोविड और सेकंड वेव को मैनेज करिबारे आपन माने जे परि एडमिनिस्ट्रेशन को साहज्य सहयोग जोगाई देले सेतिपाई मु आपन मानकु समस्तंकु धन्यवाद जनाउछि। सेकंड वेव समय रे अन्य राज्य मानकर जे भलि अवस्था आमे देखिले उड़ीसा रे से परिस्थिति होई नथिला। आम समस्तंकर विशेष करी आमर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मानकर कठिन परिश्रम जोगु उड़ीसा आज भल स्थिति रे अच्छी, किंतु युद्ध ए पर्यंत सरी नहीं। देश रो अन्य राज्य मानकर कोविड केस बढ़ुची। भुवनेश्वर रे कोविड केस स्थिर रही। विश्वर अन्य देश मानकर थर्ड वेव डेंजरस एबारे लगी। भारत रे थर्ड वेव शीघ्र आसवा संपर्क आमर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट माने सतर्क कर सारे। उड़ीसा धीरे धीरे अनलॉक होउछि। विभिन्न दुकान बाजार और अन्य एस्टेब्लिशमेंट गुड़ी को ग्रेडेड मैनर खोला जाउछि। गत किछि मास हेला लॉकडाउन जोगु बहु लोकों को जीविका गुरुत्वर भाव प्रभावित होइथिला। एहाकु दृष्टि रे रखि आमे अनलॉक करिछु। जीवन और जीविका उभय आम पाई गुरुत्वपूर्ण। एबे धीरे धीरे सब अनलॉक करुछि। वर्तमान परिस्थिति रे मु आपन मानकु समस्तंकु सतर्क करी देबाकु चाहे जे कोविड विपद ए पर्यंत दूर होई नाही। कोरोना वायरस एबे भी आम आख पाखरे लुचि रहिछि। रूप बदलाए गुरुत्वर आक्रमण करिबार शक्ति मध्य तार रहिछि। तेणु आमे आमर सतर्कतार केबे भी ढीला करिबा उचित नुहे। जदि ओ दुकान खोला रहिछि तथापि निहाती दरकार नहेले आमे बाहर को जीबा नाही। घरे बा भावरे कौनसी जगारे कौनसी परिस्थिति रे भीड़ करिबा नहीं। मास्क पिंधिबा और सामाजिक दूरता रक्षा करिबा वर्तमान परिस्थिति रे खूब जरूरी। देखा जाउछि अनलॉक परे केतेक मार्केट रे बहुत भीड़ होउछि। यह बहुत डेंजरस। ए भली दायित्वहीन व्यवहार द्वारा आमे निजो पाई और निजो प्रियजनक पाई पुणी थरे विपद को इनवाइट करुछी। आमे किछि जानिबा पूर्वरु संक्रमण बहु भावरे बढ़ी जाए पारे। केवल कोविड नियम पालन द्वारा ये आमे थर्ड वेव रो इंटेंसिटी को कम करी दे पारिबा। सेकंड वेव रे आमे देखिले कोरोना वायरस काहरी को छाड़ी नहीं। बूढ़ा थारु पिला पर्यंत समस्त को यह आक्रांत करुछि। वैक्सीन रोगर गुरुत्वर अवस्थारु आमको सुरक्षा देउछि। वैक्सीन नेले मध्य निजे संक्रमित हेबा बा अन्य को संक्रमित करिबार भय रहिछि। आमर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी माने आमको सुरक्षित रखिबा पाए दिन राति काम करुछन्ति। तेणु से मानको त्याग को सम्मान जनाए आमको दायित्वपूर्ण भाव रे व्यवहार करिबाकु हेबो। आमे परिस्थिति उपरे सतर्क दृष्टि रखिछु। आमे जद्दी अनुभव करिबु जे
ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।